हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर के फंक्शन के बारे में जानेंगे कि हमारे रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शन है। तो आइए सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को लॉग इन करते हैं। जो इसका बाय डिफॉल्ट पिन है 1, 2, 3 एंड 4। जब इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास दो इंटरफेस आता है, बैक ऑफिस और एक फ्रंट ऑफिस का। तो बैक ऑफिस क्या है? बैक ऑफिस में हमारे जहाँ जो भी एंट्रीज हैं, यानी हमारे रेस्टोरेंट का इंफॉर्मेशन है, टेबल है और आइटम्स हैं, कैटेगरी हैं, जो भी एंट्री हमारी होगी वो बैक ऑफिस के थ्रू होगी। और फ्रंट ऑफिस में क्या है? फ्रंट ऑफिस में जो भी हमारे क्योटी जनरेट होगी, या फिर हमारा क्योटी बिल है, डाइनिंग है, या हमारा टेका भी है, एक्सप्रेस बिलिंग है, जो भी बिलिंग हमारी होगी वो हमारी फ्रंट ऑफिस के अंदर होगी। बैक ऑफिस को हम पहले ओपन करते हैं और सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे बैक ऑफिस के बारे में। तो आइए हम क्लिक करते हैं इसको। ये हमारा बैक ऑफिस का इंटरफेस है और इसके अंदर मल्टीपल बटन्स हैं और ये हमारा मेन मेन्यू है। तो जो भी हमारे सबसे पहले एंट्री होगी वो हमारे मास्टर के अंदर होती है। तो मास्टर में आइए हम देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। तो मास्टर पर मैंने क्लिक किया, सबसे पहले मेरे पास आया रेस्टोरेंट इन्फो। तो रेस्टोरेंट इन्फो के अंदर हम क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमारा डिस्प्ले करेगा, लाइक रेस्टोरेंट का नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, जो भी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो सारा चीज़ हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट इन्फो के अंदर शो करेगा। यहाँ से हम उसका जो रेस्टोरेंट होगा उसका हम लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, देन हमारा सेकंड आता है किचन और सेक्शन। किचन और सेक्शन में क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल किचन है, एक हमारे पास वेज किचन है और एक नॉन वेज का किचन है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल किचन को जनरेट कर सकते हैं और उस किचन का प्रिंट जो कि ओटी जनरेट होगा वो किस प्रिंटर पे जनरेट होगा, यहाँ से उस प्रिंटर को भी हम इजिली मैनेज कर सकते हैं। देन हम कैटेगरी के बारे में जानेंगे। कैटेगरी में हमारा क्या क्या शो करता है? कैटेगरी पे हमने क्लिक किया तो हम यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी में हमारा कैटेगरी का नाम जो है उस कैटेगरी पे यहाँ पर टैक्स लगते हैं, हमारे 4 टैक्सेस को हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। और जो हमारा POS पे बटन शो करेगा उसका, ठीक है, वो बटन का कलर यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं। देन वो QT यहाँ पे हमारी जनरेट हो, वो वेज किचन में जाए या फिर नॉन वेज, जहाँ पे भी हम सेलेक्ट करेंगे वो क्योटी वहाँ पे ही जनरेट होगी। ओके, देन हम आते हैं आइटम मेन्यू पे। हमने जब कैटेगरी बना लिया उस कैटेगरी के अंदर जितने भी आइटम आते हैं उन आइटम को हम उसमें फिल करेंगे। इससे हमारा आइटम का नाम है, कैटेगरी के अंदर है वो। अगर कैटेगरी यहाँ पर नहीं शो करता तो हम यहाँ से कैटेगरी की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। डाइनिंग में क्या प्राइस हो, टेक अवे रेट में क्या हो, होम डिलीवरी में क्या रेट हो, ये ऑटोमेटिक हमारा बारकोड जनरेट कर देता है। उस मेन्यू का क्या कलर होगा, मेन्यू हमारा एक्टिव है या नॉन एक्टिव, अगर हम उस मेन्यू का इमेज भी लगाना चाहते हैं उस पर तो हम यहाँ से इमेज भी लगा सकते हैं। हम आते हैं टेबल मैनेजर। टेबल मैनेजमेंट में हमारा जो भी टेबल होगा कि किस फ्लोर पे कौन सा टेबल है, क्या नाम है उस टेबल का, यहाँ पे हम मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं। लाइक हमारा देखिए जो T1 है वो ग्राउंड फ्लोर पे है तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा T1 शो करता है, ठीक है। मतलब B1 हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है। इसी तरह मान लीजिए हमको एक न्यू टेबल बना, ये वो हमारा ठीक है B3 है, B4 का B4 हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ही D4 है। जैसे हम सेव करेंगे हमारे पास ये देखिए हमारे पास D4 आ गया। अगर यहाँ से उस टेबल को डीएक्टिवेट भी करना चाहेंगे तो यहाँ से हम उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ओके, आइटम मॉडिफाई में क्या होता है कि हमारे पास कुछ आइटम होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा चीजेस लगती हैं। मान लीजिए हमारे पास पिज्जा है, पिज्जा में क्या होता है, हमारे पास अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग
रेट है, तो उन साइज और रेट को यहाँ से हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास हाफ साइज का है, फुल साइज का है कोई आइटम, तो यहाँ से हम उस आइटम को हाफ और फुल में मैनेज कर सकते हैं। वो हमारा जो भी अमाउंट उठाएगा हाफ को उठाएगा, अगर फुल चूज करेंगे तो हमारा फुल का अमाउंट उठाएगा। वॉलेट, वॉलेट क्या, हमारा वॉलेट में हम जो भी हमारा वॉलेट पेमेंट होता है लाइक गूगल पे, फोन पे, जो भी हमारा होगा, यहाँ से हम उसकी एंट्री कर सकते हैं। जब हम फ्रंट एंड पे बिलिंग करेंगे तो इन सब मेन्यू का वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, तो जो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम टाइप बना सकते हैं जो भी हमारे एक्सपेंस है, डायरेक्ट है, या फिर हमारा हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, उसको भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा एक्सपेंस का इसके अंदर जाएगा, मान लीजिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, डीजल है, पेट्रोल है, बाइक है, सैलरी है, यहाँ से हम इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी हमारी है, प्रोडक्ट की कौन कौन सी कैटेगरी है, हमारी ग्रोसरी है जो भी, और नॉन ग्रोसरीज है, आइटम्स हैं, मीट के आइटम है, हम यहाँ से इजली उसको भी मैनेज कर सकते हैं कैटेगरी को। प्रोडक्ट यूनिट्स हमारा है, यूनिट्स केजी में है, पीसेस में है, फिर मान लीजिए हमारे एक पैकेट में आइटम भी आता है तो हम पैकेट की एंट्री करके इसको एक पैकेट का आइटम भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, जो भी हमारी यूनिट होगी हम यूनिट को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं और न्यू यूनिट को ऐड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और हमारे पास है, वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस क्या है, मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल वेयर हाउसेस हैं, स्टोर हैं, तो हम यहाँ पे इजीली उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दे दिया मैंने वेयर हाउस के टाइप हैं, WT1, WT2, या कुछ जो भी नाम हम देना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पे उसको दे सकते हैं। अब वहाँ से कैसे उसको मैनेज करेंगे, तो वेयर हाउस पे आते हैं। वेयर हाउस में हमारे यहाँ पे कहाँ वो है हाउस एड्रेस, उसी वेयर हाउस का हम एड्रेस यहाँ से मैनेज कर, जो भी हमारे रॉ मटेरियल है उन रॉ मटेरियल के यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स में क्या है, मान लीजिए हमारे पास बीबी की हॉर्स है, चूज है, ट्रस और स्पाइसी चाहिए किसी कस्टमर को, तो यहाँ से हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर हमारा कस्टमर एंट्री, कस्टमर की एंट्री भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जब उसका अपना प्रमोशन करना हो तो प्रमोशन हम हमारे पास उसका क्लाइंट का डेटा हो और उस डेटा के थ्रू हम अपना प्रमोशन कर सकते हैं, SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, डिलीवरी पर्सन, यहाँ से हम डिलीवरी बॉय को मैनेज कर सकते हैं अपने, जो भी हमारे डिलीवरी बॉय होंगे तो यहाँ पे हम उनकी एंट्री कर सकते हैं। ओके, ये रहा हमारी मास्टर एंट्री। देन हम आते हैं अपने सेकंड फंक्शन पे, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें हम अपने यूजर को मैनेज कर सकते हैं, यानी हमारा वेटर है या सुपर एडमिन है, कैशियर है, जो भी हमारे हैं, यानी हमारा स्टोर कीपर, कैशियर, इन्वेंटरी मैनेजर, किचन मैनेजर, यूजर है, तो हम उनको इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देन हम यूजर राइट, यूजर राइट में क्या होता है, जिस भी यूजर को हम क्या क्या फंक्शन देने सकते हैं, वो क्या क्या फर्क कर सकता है, सेव कर सकता है, क्या फंक्शन को आप डिलीट कर सकता है, उस फंक्शन को डिलीट कर सकता है या व्यू कर सकता है, उसको हम इजीली यहाँ से उसको यूजर को राइट्स दे सकते हैं। ओके, टर्मिनल सेटिंग में आते हैं। टर्मिनल सेटिंग में क्या है, हमारे पास जो ये हमारा पीसी है वो किस फंक्शन पे प्रिंट करें, हमारे पास अगर कैश ड्रॉ है तो कैश ड्रॉ हमारा ओपन हो या ना हो, अगर हम डिसेबल कर देते हैं तो वो कैश ड्रॉ ओपन नहीं होगा, इनेबल कर देते हैं तो हमारा कैश ड्रॉ ओपन होगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी यूएस में मेनू है उसमें विद इमेजेस आए, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो इमेजेस के साथ शो करेगा। हम आने वाले वीडियो में इसको फुल डिटेल बताएंगे। साथ में हमारे पास कस्टमर डिस्प्ले है, कस्टमर डिस्प्ले अगर हमारे पास लगा हुआ है तो उसको भी हम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और साथ में ही कलर आईडी को भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हम कर सकते हैं। ओके, ये हमारा टर्मिनल सेटिंग था। देन हम आते हैं SMS पे, अगर हम
और एक एसएमएस को भी यूज करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम उसको इंटीग्रेट यहाँ से इजिली कर सकते हैं। ओके, देन हमारा ईमेल है, ईमेल को भी हम अपना एसएमटीपी या वो जीमेल जिसको भी हम अपने इंटीग्रेट करना चाहेंगे इसमें, उसको हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। टेबल का लेआउट भी हम बना सकते हैं यहाँ से कि हमारे किस फ्लोर पे कौन सा टेबल लगा हुआ है, वो टेबल कहाँ पे है, उसे हम यूज करके उस टेबल को यहाँ बना सकते हैं टेबल का लेआउट। ओके, टेबल असाइन हम यहाँ पे टेबल भी असाइन कर सकते हैं वेटर वाइज, यानी वेट किस कौन सा वेटर हमारा किस टेबल पे होगा उसको हम यहाँ से परमिशन दे सकते हैं। ओके, अदर सेटिंग में आते हैं। अगर अदर सेटिंग के अंदर हमारा क्या है, पार्सल पे चार्जेस लगा सकते हैं, होम डिलीवरी के चार्जेस लगा सकते हैं, हमारे सीजीएस कितने हैं, एसजीएसटी या यूजीएसटी कितने हैं, हमारे सर्विस चार्ज कितने हैं, पेंट हमारा ऑर्डर किचन यानी जो हमारा क्यूओटी हो वो टेकअवे पे जनरेट हो या ना हो, होम डिलीवरी पे एक्सपेंस पे चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम उसको हमारे टेबल लेआउट के साथ बिलिंग हो, तो ये सब फंक्शन है, इनको हम डिटेल में बताएंगे आगे वीडियो में, ठीक है। इनको भी हम यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते। देन हमारा आता है पिज्जा। पिज्जा के क्या होता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में पिज्जा के भी सर्विसेज होती हैं, तो पिज्जा में क्या होता है कि मल्टीपल टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसे पिज्जा के साइज है, टोपिंग होती है मुझे होता है, तो उसको भी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री में हमारे सप्लायर्स हैं, मेनू आइटम स्टॉक एंट्री है, परचेज ऑर्डर है, जो भी हमारे परचेज के ऑर्डर होंगे उनको हम यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसी तरह हमारी परचेज की एंट्री है, परचेज एंट्री भी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट है हमारे पास, यानी हमारे पास स्टॉक एडजस्टमेंट का मैं यूज़ क्या होता है कि हमारे मान लीजिए हमारे किचन में या हमारे वेयर हाउसेस में कुछ सामान खराब हो गया, ठीक है, तो यहाँ से उसको हम वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर दिखा सकते हैं कि वो हम सामान हमारे पास खराब हो गया है, उसको हम इसको माइनस कर सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास आई हैं तो उनको हम यहाँ से प्लस कर सकते हैं, जो डायरेक्ट हमारे किचन में आती हैं या हमारे वेयर हाउसेस में आती हैं, तो स्टॉक एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। हम रेसिपी मैनेज भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास कौन सा आइटम में कितनी रेसिपी, उसको बनाने में कितने क्या आइटम में क्या क्या क्वांटिटी यूज हुआ है, तो इजिली हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में हमारे सप्लायर के पेमेंट है और वाउचर है, वाउचर में हम जो भी हमारे वाउचर हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी की बिल है, रेंट है, सैलरी है, उनको हम भी कर सकते हैं। कार्ड में हमारे कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी है, हम लॉयल्टी कार्ड्स है, वीआईपी कार्ड है, गिफ्ट कार्ड है, उनको भी यहाँ से हम सेटिंग और प्रिंटिंग दोनों को कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैंक को भी मैनेज कर सकते हैं, यानी हमारे कौन से पेमेंट किस बैंक को आई है या किस क्लाइंट को हमारी पेमेंट गई है, वो ट्रांजेक्शन को भी हम यहाँ पे इजिली मैनेज करेंगे। हर तरह की हमारे पास रिपोर्ट्स है, पीओएस की रिपोर्ट्स है, पीओएस रिपोर्ट्स में हमारे देखिए ओवरऑल रिपोर्ट्स हैं, ओवरऑल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं हम। जिस डेट से और जिस डेट तक का चाहेंगे वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे हमारी जनरेट करके हमको ये सॉफ्टवेयर हमारा दे देगा। इसलिए हमारा सिस्टम तो चल रहा है। ठीक है, देखा ये हमारे सारी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर दिया है, हमारा कैश कितना है, क्रेडिट कार्ड कितना है, डेबिट कार्ड का है, डाइनिंग बिलिंग टेक अवे होम डिलीवरी कितने बिलिंग टाइप हुई है, टैक्सेस क्या बने हैं हमारे पास, किस आइटम का कितना परसेंट हमारे पास यूज हो रहा है, कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिक रहा है, उसकी वेरिएशन हम यहाँ पे निकाल सकते, सारा हमारा बिल है। फिर उसकी इसी तरह हमारा क्योटी बिलिंग है, टेक अवे एक्सप्रेस डिलीवरी, अनसेटल्ड बिल का कैंसिल, हमारी कितनी बिल कैंसिल डाइनिंग से कैंसिल हुई है, लेट बिल हुई है हमारी, अगर रिपोर्ट एंड कैंसिल आइटम्स के थ्रू हुए हैं तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज इजली मैनेज कर ले। ओके, देन हमारे पास वर्क पीरियड है, वर्क पीरियड में क्या है कि हमारा क्या कौन सा क्योटी कब किस वर्क का वर्क हुआ है और कब हमारा एंडिंग हुआ है,
और उसमें क्या क्या आइटम हमारे सेल हुए हैं, तो उसको भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बिल है, साथ में हम अकाउंटिंग की भी रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग में क्या हमारा परचेज डेट, डे कैश, सैलरी, ट्रायल बैलेंस, परचेज है हमारे बहुत सारे, स्टॉक ट्रांसफर, टैक्स बेस, इनपुट टैक्स, बैलेंस शीट, जनरेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, सप्लायर क्लेजर है, टिप जो हमारा बच्चा टिप आता है, फीडबैक है, हर तरह से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, हम बैकअप और रिस्टोर भी बना सकते हैं, अपना टूल्स के अंदर आते हैं, हम लॉक्स भी दे सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, वो ब्रॉडकास्ट करना है जहाँ से ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। ओके, सेंड ईमेल है, नोट पैड है, कीबोर्ड है, टास्क मैनेजर। तो ये हमारा बैक ऑफिस का फंक्शन था जिसका हमने सिर्फ ओवरव्यू बताया है। आने वाली वीडियो में हम एक एक आइटम का आपको डीपली नॉलेज देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।